नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पीकर का ओम कैसे चेक करते हैं, स्पीकर को हम कैसे टेस्ट करते हैं और हमारे पावर एम्पलीफायर क्यों खराब होते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे स्पीकर हैं, ये अलग अलग ओम में आते हैं, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 16 ओम। तो ये जो हमारे स्पीकर हैं ये इस तरह के होते हैं, बड़ा भी हो सकता है, बड़ा जो होगा हमारा वो 4 ओम का भी हो सकता है, छोटा होगा वो 16 ओम का भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे स्पीकर हैं, स्पीकर और एक बुफर होता है, एक इसमें स्पीकर होता है। बुफर की मोटी आवाज़ होती है, स्पीकर की थोड़ी पतली आवाज़ होती है। जब हम मल्टीमीटर से स्पीकर को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के लिए हमारी इसमें दो रेंज होती है, एक बजर वाली रेंज और एक रेजिस्टेंस वाली रेंज। तो दोस्तों, हम आपको दोनों रेंज में टेस्ट करके दिखाएंगे। और हमारा मल्टीमीटर किसी भी कंपनी का हो, कोई भी हमारा मल्टीमीटर हो, दोनों में दो रेंज होती हैं, एक बजर वाली और एक रेजिस्टेंस वाली। तो ये जो हमारे मल्टीमीटर हैं, हम इनको सबसे पहले बजर रेंज में टेस्ट करते हैं और डिफरेंस दिखाते हैं कि बजर रेंज में क्या डिफरेंस आता है और रेजिस्टेंस रेंज में क्या डिफरेंस आता है। और तो दोस्तों, हम मल्टीमीटर को आपको सबसे पहले बजर रेंज में टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो स्पीकर है ये 4 ओम का है। अब देखते हैं ये कितनी ओम बताता है। ये देखिए देखिए दोस्तों, ये 4 और 5 ओम के बीच बता रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी इसमें 5 आ रहा है। तो ये रहा मेरा बजर रेंज। अब मैं रेजिस्टेंस रेंज में इसको टेस्ट करूँगा। ये रेजिस्टेंस रेंज है तो हम इसको रेजिस्टेंस रेंज में अब चेक करेंगे, ये क्या बताएगा इससे अब टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये देखिए 4.1 ओम। तो ये मेरा 4.1 ओम दिखा रहा है, तो जो इसकी असली वैल्यू है 4.1 ओम की है। तो ये हमारा 4 ओम का स्पीकर है, तो ये हमारा स्पीकर बिल्कुल करेक्ट है। अब ये दूसरे वाला स्पीकर देख लेते हैं, ये न्यू स्पीकर है, इसकी भी हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। बजर रेंज में चेक करेंगे सबसे पहले। ये देखिए, ये 5 ओम दिखा रहा है दोस्तों, 5 और 4, ये भी सेम ऐसे, कभी 4 आ रहा है, कभी ये 5 आ रहा है। तो ये मेरा बजर रेंज है। अब इसको ये रेजिस्टेंस रेंज में हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये मेरा दिखा रहा है 4 ओम, पूरा 4 ओम दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये वाले जो स्पीकर हैं ये 4 ओम के हैं, ये भी हमारा स्पीकर करेक्ट है। तो दोस्तों, इस टाइप से हम अपने मल्टीमीटर से स्पीकर चेक कर सकते हैं। इनके ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है, कितनी वैल्यू है। तो इस टाइप से हम रेजिस्टेंस और बजर में दोनों तरह से टेस्ट कर सकते हैं। हमारे साउंड एम्पलीफायर क्यों खराब होते हैं, इसका कारण होता है ये जो हमारे स्पीकर हैं, ये देखिए, ये जब इनकी क्वाइल चिपक जाती है, ये वाला पर्दा मूवमेंट नहीं करता है। ये दिखाएंगे, देखिए ये स्पीकर की क्वाइल बिल्कुल चिपक गई है, ये पर्दा हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो जब मूवमेंट नहीं करता है और मैग्नेट से चिपक जाती है तो हमारा एम्पलीफायर खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा बहता है, करंट ज़्यादा लेता है। यदि क्वाइल मेरी मूवमेंट करेगी तो इसमें करंट
कम बहेगा, करंट कम लेगा। और ये जो न्यू स्पीकर है ये दिखाते हैं, देखिए दोस्तों ये वाला स्पीकर हमारा करेक्ट है, देखो कैसे ये मूवमेंट कर रहा है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, और इसका ये स्पीकर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो जो मूवमेंट नहीं कर रहा है इससे हमारे पावर एम्पलीफायर ये ख़राब हो जाते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर इससे ही ख़राब होते हैं, हमारे मॉसफेट और ट्रांजिस्टर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ये ज़्यादा करंट लेते हैं, हीटअप हो जाते हैं, तो इस कारण हमारे ये एम्पलीफायर भी ख़राब होते हैं। तो दोस्तों जब हमारी क्वाइल चिपक जाए या हमारे ये स्पीकर मूवमेंट नहीं करें तो हमें न्यू स्पीकर लगा देना चाहिए या इसका हमें पर्दा चेंज कर देना चाहिए। तो मूवमेंट होना चाहिए ऊपर नीचे, जैसे देखो ये इस स्पीकर का हो रहा है ऊपर नीचे। तो इस टाइप से हम अपने ऑडियो एम्पलीफायर को जलने से फूकने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय